सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा ओम श्री परमात्मा नमः न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के दूसरे तत्व ज्ञान विवृद्धि प्रकरण पर विचार कर रहे थे तत्व ज्ञान किस प्रकार से उत्पन्न होता है इस विषय में प्रसंग चल रहा था उसी क्रम में सूत्र संख्या तैतालीस में पूर्व पक्ष ने एक आक्षेप उठाया था और आक्षेप यह था कि जिस प्रकार से इच्छा न होते हुए भी हमें ज्ञान होता है और यह बात महर्षि सूत्रकार ने भी स्वीकार की थी प्रत्यक्ष परीक्षा प्रकरण के अंतर्गत जो इंद्रियार्थ सनिकर्ष का प्राबल्य देखा करके वहाँ पर कहा था कि अर्थ यानी कि विषय रूप रसगंध शब्द स्पर्श इन विषयों का इतना प्राबल्य होता है कि न चाहते हुए भी इच्छा न होते हुए भी व्यक्ति यदि सोया हुआ हो या कहीं उसका मन अनुरक्त हो गहरे चिंतन में लगा हो तो उस व्यक्ति को भी उस चिंतन से या उस निद्रा से हटा करके भिन्न विषयों में जिन विषयों का ज्ञान कराना चाहे व्यक्ति उसको कराया जा सकता है तो इससे ये तात्पर्य निकला कि ना चाहते हुए भी ज्ञान होता है सुषुप्ति में ना चाहते हुए भी स्पर्श कोई तीव्र करा दे तीव्र ध्वनि सुना दे तो उसको सुनना पड़ता है ऐसे ही अनुरक्त है कहीं व्यक्ति चिंतन में खोया हुआ है उसको कोई बोले तेज तो उस बात को उसको सुनना पड़ता है तो इसी बात को लेकर के उसको आधार मान करके यहाँ पर पूर्व पक्ष आक्षेप करना चाहता है कि यदि न चाहते हुए भी ज्ञान होता है तो फिर अपवर्ग में भी यानी कि मोक्ष में भी सांसारिक ज्ञान होने का प्रसंग आ जाएगा उसके लिए कहा अपवर्ग अपेव प्रसंग इसी प्रकार से अपवर्ग में भी ज्ञान होने का कौन सा ज्ञान रूप रसगंध शब्द आदि जो सांसारिक ज्ञान है उन विषयों का ज्ञान होने का प्रसंग आ जाएगा क्योंकि जब आप ये स्वीकार करते हैं कि ना चाहते हुए भी ज्ञान हो जाता है तो न चाहते हुए भी व्यक्ति को अपवर्ग में भी आदि का ज्ञान हो जाए और अपवर्ग में भी जब रूप आदि का ज्ञान होने लगेगा तो वह भी अपवर्ग न होकर के एक प्रकार का भोग हो जाएगा क्योंकि जहां भी रूप रसगंध आदि की अनुभूति है वह भोग कहलाता है रूप रसगंध शब्द स्पर्श की अनुभूति जहां भी होगी वो भोग कहलाएगा और जहां भोग होगा वहां रोग होगा तो भोगे रोग भयम भोग से रोग होगा ही तो भोग जहां होगा रूप आदि का वहां संसार होगा जहां संसार होगा वहां बंधन होगा जहां बंधन होगा वहां दुख होगा तो इस प्रकार से अपवर्ग में भी मोक्ष में भी दुख होने का प्रसंग आ जाएगा इस प्रकार से पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया अब उस आक्षेप का समाधान करते हुए महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं सूत्र संख्या चौवालीस में कि न निष्पन्न अवश्यम भावित्वात कह रहे हैं कि यह जो ज्ञान की निष्पत्ति बताई गई है उत्पत्ति बताई जा रही है वह बिना शरीर के नहीं हो सकता न निष्पन्न अवश्यम भावित निष्पन्न का तात्पर्य है उत्पन्न वहां पर धर्मादि के माध्यम से जो शरीर उत्पन्न होता है उसके लिए कहा गया है कि वह धर्मादि से उत्पन्न जो शरीर है उसके होने से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है कौन सा ज्ञान सांसारिक ज्ञान रूप रस गंध शब्द स्पर्श का ज्ञान तो ये रूपादि का जो ज्ञान है बिना शरीर के आश्रय से हो ही नहीं सकता इसलिए शरीर ज्ञान की उत्पत्ति में आवश्यक है ध्यान रखना चाहिए ज्ञान दो प्रकार का होता है एक आदि का ज्ञान और एक स्वरूप ज्ञान यहाँ पर जिस ज्ञान की बात की जा रही है वहाँ पर रूप रस आदि जो सांसारिक ज्ञान है जिसे वृत्यात्मक ज्ञान कहा जाता है उसके विषय में कहा गया है स्वरूपात्मक ज्ञान के विषय में नहीं कहा गया है स्वरूपात्मक ज्ञान तो अपना स्वरूप होने से उसमें किसी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं होती वह तो नित्य संवेद्य होता है इसलिए यहाँ पर सांसारिक ज्ञान रूपादि के विषय में कथन किया गया है कि जो सांसारिक ज्ञान है वह बिना शरीर के नहीं हो सकता यानी कि शरीर के आलम्बन से ही रूप रसगंध शब्द स्पर्श आदि का ज्ञान होता है शरीर के बिना नहीं हो सकता और फिर आगे कह रहे हैं महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 45 में तदभावश्य अपवर्ग और इस शरीर का अभाव अपवर्ग में होता है अपवर्ग में शरीर नहीं होता क्योंकि अपवर्ग कहते ही शरीर न होने की स्थिति को जहाँ पर शरीर बंधन से हम ऊपर उठ जाते हैं देहांतर की प्राप्ति की जो अविच्छिन्न परंपरा है उसका उच्छेद हो जाता है उस स्थिति का नाम अपवर्ग है मोक्ष है और उस स्थिति में शरीर की परिकल्पना ही नहीं है शरीर से छूटने का ही नाम अपवर्ग है और जब एक बार अपवर्ग की प्राप्ति हो गई मोक्ष की प्राप्ति हो गई वहां पर शरीर का अभाव होने से शरीर न होने से वहां पर रूपादि का ज्ञान कैसे होगा वहां रूपादि का ज्ञान नहीं होगा और जब रूपादि का ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो संसार नहीं होगा फिर संसार नहीं होता वो बंधन नहीं है तो इसलिए शरीर का संबंध केवल जगत से होता है बंधन काल में होता है मुक्ति काल में शरीर का संबंध आत्मा के साथ न होने के कारण शरीर से संबंधित जो रूपाधि का ज्ञान है वह भी वहाँ नहीं होगा और जहाँ पर रूपाधि का ज्ञान नहीं होगा वहां पर व्यक्ति दुख को नहीं प्राप्त करेगा क्योंकि रूपाधि का ज्ञान ही ये सुख दुख को दिलाने वाले हैं तो अपवर्ग में शरीर का अभाव होने से वहाँ पर किसी भी प्रकार से सांसारिक ज्ञान की यानी कि रूप रसगंध शब्द स्पर्श जो लौकिक ज्ञान है इसकी उत्पत्ति का प्रसंग ही आपके द्वारा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जब शरीर ही नहीं है वहाँ पर शरीर से ही ये सब ज्ञान होते हैं सांसारिक ज्ञान और जहाँ शरीर नहीं है वहाँ पर कैसे हो सकते हैं इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है कि न चाहते हुए भी रूपादि का ज्ञान हो जाएगा क्योंकि वह स्थिति तब आती है जब शरीरधारी व्यक्ति होता है शरीरम वसंतम अशरीरम व संतम प्रिया प्रिय उपनिषद का वाक्य है कि जब अशरीरी जीवात्मा हो जाता है यानी कि जीवात्मा जब शरीर बंधन से रहित हो जाता है अशरीरी हो जाता है जीवात्मा का स्वरूप ही अशरीरी है परंतु शरीर आदि के बंधन में आ जाता है तब वह शरीर वाला भी हो जाता है लेकिन जब इनसे अलग हुए मुक्ति काल में वह अशरीरी होता है यानी कि ये जो भूत अभौतिक भूत भौतिक जितने भी पदार्थों के बंधन है उससे रहित उसकी अवस्था है इसलिए वह अशरी है और उस अवस्था में सुख दुख उसको छू नहीं पाते सुख भी नहीं छू पाते दुख भी नहीं छू पाते तो वह स्थिति अलग होती है विलक्षण होती है जिसे आनंद की स्थिति कहते हैं सुख और आनंद में अंतर होता है वैषयिक सुख को सुख शब्द से कहा जाता है जो इंद्रियों के माध्यम से हम जो अनुभव करते हैं जो हमें एक विशेष प्रकार का सुख मिलता है उसको सुख नाम से कहा जाता है और जो इंद्रिय और अर्थ से रहित यानी कि वैसयिक सुखों से अतिरिक्त तो जो आत्मिक सुख है जो परमात्मा से प्रदत्त सुख है उसको सुख शब्द से नहीं कहा जाता उसका आनंद शब्द से कहा जाता है और सुख क्षणिक होता है और आनंद स्थायी होता है जिसको स्वरूपात्मक ज्ञान कहते हैं तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम में जो अनुभूति होती है वह स्थायी होती है परमानेंट होती है और जो सुख होता है वह क्षणिक होता है इसलिए कहा कि सुख दुख से रहित होता है सुख से भी रहित इसलिए कि सुख भी क्षणिक होता है और हमको क्या चाहिए स्थाई चाहिए सुख स्थाई नहीं हो सकता तो वह स्थिति मोक्ष की होती है उस स्थिति को सुख शब्द से नहीं कहा जा सकता अब भले भी उसको सुख शब्द से समझने के लिए कहें क्योंकि हमने सुख को ही समझा है आनंद को नहीं समझा है तो सुख शब्द से कह सकते हैं परंतु शास्त्र की दृष्टि से जहाँ भी शास्त्र में ये बात कही जाती है कि वह सुख दुख से रहित होता है सुख दुख से छू नहीं पाते तो दुख छू नहीं पाते ये तो समझ में आता है लेकिन सुख छू नहीं पाते इसका तात्पर्य है कि जो सुख हमें इंद्रियों के माध्यम से मिलता है वह अस्थाई होता है स्थाई नहीं होता है क्षणिक होता है अनित्य होता है और हमें क्या चाहिए हमें स्थाई चाहिए वह स्थिति इंद्रियों के माध्यम से जो मिलने वाला रूपाधि से सुख है वो हो ही नहीं सकता इसलिए इस स्थिति के लिए एक अलग संज्ञा दी जाती है मोक्ष की स्थिति को वहाँ पर आनंद स्वरूप कहा जाता है कि वह जीवात्मा आनंदी हो जाता है रसो वैस रसो ही एवं अयम लब्धवा आनंदी भवती तो वह आनंद की स्थिति है आनंद और सुख शब्द में अंतर है कभी कभी लौकिक व्यवहार में उत्कर्ष सुख को भी आनंद शब्द से कहा जाता है वह आनंद न है वो तो गौण प्रयोग है वस्तः आनंद तो परमात्मा की प्राप्ति में ही है उसी में प्रधान रूप से आनंद शब्द का प्रयोग होता है और उत्कर्ष सुख के रूप में जो आनंद शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो आनंद आ गया कोई वस्तु हमने अपनी प्रिय वस्तु देखी या उसे चखी सूंघी जो भी हमने किया तो उसमें कहते हैं कि आनंद आ गया तो ये जो आनंद आ गया व उत्कर्ष सुख आ गया उस अर्थ में हम आनंद स्वरूप शब्द का प्रयोग करते हैं तो गौण ही समझना चाहिए प्रधान प्रयोग नहीं है तो इस प्रकार से महर्षि ने कहा कि तदभावश्य तो अपवर्गे उस अपवर्ग में शरीर आदि जो साधन है ज्ञान के उत्पत्ति के वह नहीं रहते इसलिए वहां पर सांसारिक ज्ञान उत्पन्न होने का अपवर्ग में कोई मतलब नहीं है और जब सांसारिक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो फिर वह बंधन नहीं कहलाएगा नहीं तो अपवर्ग में भी बंधन होने का एक प्रश्न उठाया था पूर्व पक्ष ने तो इस प्रकार से महर्षि ने इसका खंडन किया कि अपवर्ग में जो लौकिक ज्ञान है वो नहीं हो सकते नहीं तो वो भी भोग की स्थिति हो जाएगी जबकि वह योग की स्थिति है तो इस प्रकार से महर्षि ने खंडन किया अब उस अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए जो भूमिका है क्योंकि तत्वज्ञान के उत्पत्ति के उपाय बता रहे हैं तो समस्त उपायों का वर्णन करना पड़ेगा समाधि के अभ्यास तो बता दिए और समाधि के अभ्यास के बताने के क्रम में पूर्व पक्ष ने कुछ आक्षेप समाधि से संबंधित उठाया था कि ये समाधि हो ही नहीं सकती ये जो ऐसी स्थिति है उसका समाधान कर दिया अब चूंकि समाधि भी कैसे लगेगी इसके लिए भी उपाय बताया और कहा तदर्थम यमनियमाभ्याम आत्मसंस्कार हो योगाच अध्यात्म विध्य उपाय महर्षि ने कहा कि वह जो समाधि के द्वारा मोक्ष या अपवर्ग की प्राप्ति है वह कैसे होगी तो उसके लिए सबसे प्रथम भूमिका जहाँ से प्रारंभ किया जाता है योग का जहाँ से प्रारंभ होता है उसका कथन किया और कहा कि यमनियमाभ्याम आत्मसंस्कार हो यम और नियम के द्वारा पहले अपने आत्मा को संस्कृत करें संस्कृत का तात्पर्य होता है कि उसको स्वच्छ करें निर्मल करे उसको और उत्कृष्ट बनाए अपने आत्मा को क्योंकि अभी हम कैसे हैं अभी हम रागी हैं द्वेषी हैं लोभी हैं मोही हैं कामी हैं क्रोधी हैं अभी यह हमारी स्थिति है वस्तुत आत्मा का स्वरूप इनसे विलग है वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप कहा गया है परंतु राग आदि के संसर्ग के कारण उसमें ये औपचारिक प्रयोग होते हैं कि ये पापात्मा है ये दुष्टात्मा है ये महात्मा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होते हुए भी उसमें इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं उसी प्रयोग को लेकर के यहाँ पर बात की गई है कि जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा स्वरूपता है उसको अपने स्वरूप में लाने को ही यहां पर आत्मसंस्कार शब्द से कहा गया है क्योंकि उस पर एक आयातित औपचारिक एक धर्म है वह राग आदि है द्वेष आदि है लोभ काम क्रोध आदि ये सब औपचारिक है आयातित हैं उसका स्वभाव नहीं है आत्मा का स्वभाव रागी होना नहीं है आत्मा का स्वभाव लोभी होना नहीं है आत्मा का स्वभाव क्रोधी होना नहीं है लेकिन फिर भी होता है तो वह जो औपचारिक एक आयातित धर्म है उसको हटाने के लिए यहां पर आत्मसंस्कार शब्द से उसको कहा गया कि आत्मा को संस्कारित करें यानी कि आत्मा में जो विद्यमान अधर्म है रागादि सब अधर्म है तो इन अधर्म को दूर करके धर्म में प्रतिष्ठित करने का नाम आत्म संस्कार है वह कैसे होगा तो यम नियम के द्वारा होगा यम नियम के माध्यम से आत्मा सुसंस्कृत होगा यानी कि आत्मा में जो रागादि द्वेष है आदि जो दोष हैं वह यम नियम के माध्यम से उसका क्षरण होगा और फिर उसमें धर्म का संचय होगा धर्म के संचय से फिर तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी समाधि की प्राप्ति होगी तो वह यम नियम क्या है तो इसके लिए महर्षि पतंजलि की तरफ जाना पड़ेगा योगशास्त्र की तरफ जाना पड़ेगा वहां पर पांच यम और पांच नियम का उपदेश किया महर्षि ने और कहा कि अहिंसा सत्य अस्ते, अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा पांच यम हैं अहिंसा सत्य अस्तेय अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह समस्त योग के साधनों में योग के आठ अंग बताए हैं अष्टांग योग जिसे कहा जाता है अष्ट मतलब आठ अंग मतलब उसके अवयव तो योग के आठ अवयव हैं यानी कि योगा समाधि समाधि के आठ अवयव हैं उस अवयव को प्राप्त करने के लिए इन आठ चरणों को अपनाना पड़ेगा इन आठ अवयवों का अनुष्ठान करना पड़ेगा और उन अवयवों में आठों अवयवों में से सबसे प्रथम है यम। और उन यमों में भी पांच विभाग जब किया तो उन पांचों विभाग में सबसे पहला अहिंसा उसको गिनाया कि अहिंसा प्रथम है और यह महर्षियों द्वारा जो निर्धारित क्रम होता है और क्रम में जो पौर्वापर्य जो संबंध होता है वो बड़े मार्मिक होता है उसका तात्पर्य होता है कि पूर्व में यही क्यों है बाद में यही क्यों है तो सबसे प्रथम यम और यम में भी अहिंसा और यम जो है जो पूरा यम पांचों को पांचे जो यम है वह व्यक्ति के चारित्रिक उत्थान करता है यानी कि व्यक्ति के धर्माचरण को बल प्रदान करता है अधर्माचरण से दूर करके धर्माचरण में प्रतिष्ठित करता है यम और यह सबसे आवश्यक है बिना यम के कोई व्यक्ति इस मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकता और उस यमों में भी यम उस यमों में भी जो सबसे प्रथम अहिंसा कहा वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए महर्षियों ने कहा कि ये बाकी जो पांच यम हैं पांच का मतलब अहिंसा को छोड़कर के बाकी जो चार हैं वह तो अहिंसा को पोषित करने के लिए है मुख्य तो अहिंसा ही है इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक वाक्य बोला करते हैं कि वैदिक संस्कृति की परिभाषा क्या है हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है कैसे समझे कि हिंदू धर्म है कैसे समझे कि ये आर्य संस्कृति है वैदिक संस्कृति है तो उसके लिए उन्होंने एक परिभाषा दी और कहा कि अहिंसा मूलक जीवन पद्धति का नाम हिंदू धर्म आर्य धर्म वैदिक संस्कृति है एक वाक्य में कहा कि अहिंसा मूलक जीवन पद्धति अब उस जीवन पद्धति में सब समाहित है वो पारिवारिक है सामाजिक है धार्मिक है राजनैतिक है आध्यात्मिक है सारे पक्ष जितने भी जीवन के हैं वो सब उसमें समाहित है उन समस्त जीवन पद्धतियों में जो मूल अहिंसा होनी चाहिए और जहां पर ये भावना प्रतिष्ठित रह अहिंसा का मतलब क्या है भाष्यकार ने इसको समझाया सदा सर्वदा सर्व भूतानां मन अहिंसा सदा सर्वदा समस्त प्राणियों पर सर्व भूतानां सर्व भूतानां का तात्पर्य केवल एक प्राणी विशेष नहीं कि मनुष्य पर तो अहिंसा का पालन करेंगे बाकी सब हिंसा ऐसा नहीं है सर्वभूताना समस्त प्राणी चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत उन सब में कभी द्रोह न करना द्रोह का मतलब उसे कष्ट देने की भावना अंदर न रखना अंदर रखना भी नहीं और उसे क्रिया रूप देना भी नहीं वह अहिंसा है और वह अहिंसा यदि व्यक्ति के मूल में होगा तो वह व्यक्ति सत्य का भी पालन करेगा वह अस्तेय का भी पालन करेगा वह ब्रह्मचर्य का भी पालन करेगा और वह अपरिग्रह का भी पालन करेगा अहिंसा मूल में होनी चाहिए और उस अहिंसा भी मूल में जो होनी चाहिए उस अहिंसा के भी बड़े स्वरूप है केवल इतना ही कि दुख दे देना मात्र हिंसा नहीं है उसमें भी देखना पड़ता है क्योंकि हिंसा और अहिंसा का निर्धारण क्रिया से नहीं होता अभी तो उसमें भावना देखनी पड़ती है तो भावना के आधार पर जो वहां पर शारीरिक मानसिक वाचिक जो व्यापार हैं उसका निर्धारण किया जाता है कि यह हिंसा है या अहिंसा है एक व्यक्ति किसी अंग को काट रहा है तो किसी शरीर के अंग को काटना ये तो हिंसा कहलाता है लेकिन वो दो प्रकार से होता है दो प्रकार से काटा जाता है शरीर के अंग को एक तो पापी काटते हैं हत्यारे काटते हैं शरीर के अंग को काटते हैं और एक डॉक्टर काटते हैं शरीर के अंग को दोनों काटना ही है और दोनों में क्रिया भी समान है साधन भी समान है काटने के तो एक जगह हिंसा हो जाती है और एक जगह अहिंसा हो जाती है जो हत्यारा है वह काटता है तो वह हिंसा कहलाता है और जो डॉक्टर अंग को कभी कोई दूषित हो जाए अंग या कुछ उसमें विकृतियां आ जाए तो उसको काटना पड़ता है वहां पर जो काटना है वह अहिंसा हो जाता है क्यों क्योंकि दोनों में अंतर है क्रिया एक ही है परंतु तो भावना में अंतर है वह अंतर है क्योंकि काटने में दोनों तरफ दुख होता है डॉक्टर काटता है तो भी दुख होता है और जो हत्यारा काटता है वो भी दुख होता है परंतु दोनों में अंतर है दोनों की भावनाओं में अंतर है कि एक काटना दुख के लिए है और एक काटना दुख की निवृत्ति के लिए है हत्यारा जो दुख देता है वो दुख के लिए दुख देता है दुख के लिए वो काटता है और जो डॉक्टर काटता है वो दुख की निवृत्ति के लिए काटता है तो भावना एक जगह दुख की निवृत्ति है और एक जगह दुख की प्राप्ति है तो दुख की निवृत्ति और दुख की प्राप्ति यह भेद है अहिंसा और हिंसा को जांचने में इसलिए कभी कभी देखने में याद है कि ये तो हिंसा कर रहा है सता रहा है कष्ट हो रहा है किसी व्यक्ति को वो तो क्यों कष्ट दिया जा रहा है उतने मात्र से वह हिंसा नहीं हो जाएगा एक गुरु अपने शिष्य को ताड़ित करता है डांटता है फटकारता है तो वहां पर उसको कष्ट होता है शिष्य को तो वह कष्ट हिंसा के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि वह अनुग्रह पूर्वक उसके दुखन निवृत्ति के लिए ऐसा करते हैं तो जहां पर दुख निवृत्ति की भावना रहती है मूल में वह थोड़ी देर के लिए कष्ट दे भी रहा है तो हिंसा के अंतर्गत नहीं आता अहिंसा के अंतर्गत ही माना जाता है तो इस प्रकार से यह मूल में भावना होनी चाहिए यदि कष्ट भी दे रहा है तो इस भाव से दे रहा है कि ये थोड़े समय इसको कष्ट दे दूंगा तो आगे आने वाले जो अपार कष्ट है उससे दूर हो जाएगा यदि तो इस भावना से वह थोड़ा कष्ट दे रहा है और उसके भी मूल में भावना है कि जो अपार कष्ट आने वाला है भविष्य में वही बच जाएगा इन थोड़े से कष्ट को लेकर तब वह हिंसा नहीं कहलाता अहिंसा ही कहलाता है तो मूल में यहां पर भी कष्ट थोड़ा सा दिया जा रहा है लेकिन मूल में भावना क्या है आगे आने वाले कष्टों के निवृत्ति ही है तो इस प्रकार की भावना को अहिंसा कहा जाएगा और इस भावना से भावित होकर के जो कर्म किया जाएगा वो हिंसा न होकर के अहिंसा ही कहलाएगी चाहे थोड़ी देर के लिए किसी को कष्ट ही क्यों ना हो तो इस प्रकार से अहिंसा मूलक जीवन पद्धति ही अपवर्ग को प्राप्त करा सकता है उसी से भगवत प्राप्ति हो सकती है और वही हिंदू संस्कृति है वही वैदिक धर्म है इससे इतर सब अधर्म है इससे इतर सब विधर्मी हैं जो वैदिक संस्कृति को अपना करके भी मान करके के भी कि हम वैदिक संस्कृति है ये मानते हैं परंतु फिर भी हिंसा से है, हिंसा से ग्रसित है तो वह हिंदू कहलाने लायक नहीं है वह वैदिक कहलाने लायक नहीं है तो इस प्रकार से मर्ष ने यहाँ पर कुछ बात कही आगे हम इसको और देखेंगे आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं शेष अगले अंक में Shanti shanti shanti